हम सपने बुनते हैं कि हम कुछ बड़ा करेंगे। घर से दूर किसी शहर के छोटे से कमरे में अपनी आवश्यकताओं को दरकिनार करते हुए कुछ नया पाने के लिए दिन रात लगे रहते हैं, लेकिन जब सड़े हुए सिस्टम का शिकार सिस्टम ही होने लगे तो उसका क्या ही कहना। ऐसी ही एक घटना दिल्ली में हुई है, जहां कोचिंग राव IAS कोचिंग के बेसमेंट में पानी भरने से 3 छात्रों की मौत हो गई। इस घटना को हादसा माना जाए या मर्डर, जब मामला इतना बड़ा था तब सालों से सोए प्रशासन का जागना भी लाजमी था। आनन फानन में पुलिस और MCD भी हरकत में आई और राव IAS के कुछ भाग पर अवैध बताकर बुलडोजर भी चला दिया। बुलडोजर एक्शन के लिए भारी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती की गई। ये बुलडोजर MCD की ओर से राजेंद्र नगर पहुंचे हैं और ताबड़तोड़ अवैध निर्माण पर बरस पड़े। हमने MCD कमिश्नर अश्विनी कुमार का एक बयान सुना, सुनके लगा जैसे कोई मोहमाया के से मतलब नहीं है। 3 बच्चों की मौत के जिम्मेदार इस व्यक्ति की आंख मिलाकर बोलने की हिम्मत नहीं है। अब ये बता रहे हैं कि इलीगल है, कार्रवाई कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। आप भी सुनिए MCD कमिश्नर अश्विनी कुमार ने क्या कुछ कहा। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और इसमें हमने 2-3 फ्रंट्स पे काम किया है। एक तो ये है कि वहाँ पे जो रोड के किनारे स्टॉर्म वाटर ड्रेन लोगों ने इंक्रोचमेंट करके उसको कवर कर दिया था, जिसके कारण उसमें पानी जाना भी दूभर था और उसका क्लीनिंग भी दूभर था, तो उसको हमने लगा दिया है कि वो सभी इंक्रोचमेंट को डिमोलिश कर दिया जाए और उस ड्रेन को रिकवर किया जाए। ये एक सिस्टमिक चीज़ है जिस पे हमने कार्रवाई की है। दूसरी कार्रवाई ये की है कि जो बेसमेंट्स इलीगल हैं और जो सिक्योरिटी एंड सेफ्टी के लिए थ्रेट हैं उन पे भी कार्रवाई स्टेप अप कर दी है। पिछली शाम को करीब 3 बेसमेंट सील कर दिए थे और वो सीलिंग की कार्रवाई जारी है। और कोचिंग इंस्टीट्यूट ऐसे यही नहीं था, हमें ये पता चला है कई जगह ऐसा है जहाँ पे बेसमेंट या तो कम्प्लीटली इलीगल है या बेसमेंट किसी दूसरे पर्पज़ के लिए है लेकिन उसको कोचिंग के हैसियत से यूज़ कर रहे हैं बच्चों के लिए, तो उनके खिलाफ हम एक्शन ले रहे हैं। तीसरा ये है कि जो इसमें मेंटेनेंस के इंजीनियर थे जिनके जिम्मेदारी होती है कि वाटर लॉगिंग को कंटेन करना, उनके खिलाफ भी हमने एक्शन लिया है। बताया जा रहा है कि अन्य कोचिंग सेंटर के बाहर भी अवैध निर्माण पर बुलडोजर से तोड़ा जाएगा। राव IAS कोचिंग के पास 3 बुलडोजर गरजे क्योंकि पुलिस ने इसकी इजाजत दे दी है। दिल्ली पुलिस के कई आला अफसर इस बुलडोजर एक्शन के दौरान मौजूद रहे। एक सवाल ये भी उठता है कि देश में बढ़ रहे कोचिंग माफियाओं पर सरकार कोई एक्शन नहीं ले पाएगी, अगर ले पाएगी तो कब तक? क्या देश के बड़े शहर पटना, इलाहाबाद, बनारस, लखनऊ, दिल्ली, कोटा जैसे शहरों में कोचिंग माफियाओं पर लगाम लगेगी? हमारे देश में कोचिंग का बाजार लगभग 60,000 करोड़ का है, जहां दिल्ली में 1,00,000 और कोटा में लगभग 2,00,000 छात्र कोचिंग में अपने सुनहरे भविष्य के लिए पढ़ाई करते हैं, जिसमें बड़े बड़े कोचिंग सेंटर का नाम है, जिनकी फीस एवरेज 2,00,000 रुपए तक होती है। लेकिन पढ़ाई के साथ साथ छात्राओं पर बहुत सारे दबाव भी रहते हैं, जैसे आर्थिक दबाव, पारिवारिक दबाव और साथ ही पढ़ाई का प्रेशर भी रहता है। इन कोचिंग में ज्यादातर हिंदी पाठ्य क्षेत्र से आते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे आते हैं। अगर इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी तो क्या माँ बाप अपने बच्चों को किसी शहर में भेजेंगे? अगर इस घटना को मर्डर ना कहा जाए तो क्या कहा जाए? NCERB के आंकड़ों के मुताबिक भारत में हर घंटे 1 छात्र सुसाइड करता है, जिसमें हर दिन लगभग 28 सुसाइड होते हैं। NCERB के आंकड़ों से पता चलता है कि 2018 में 10,159 छात्रों ने सुसाइड की, 2017 में 9,950 और 2016 में 9,478 छात्राओं ने खुदकुशी की। अब ऐसे में सवाल उठता है कि इन सब घटनाओं का जिम्मेदार कौन? सिस्टम, सरकार या गलत शिक्षा नीति? वैसे तो हमारे देश में गाय, भैंस, हिंदू, मुस्लिम करने वाले पत्रकार बहुत हैं, लेकिन हुजूम की तामीर करने वाली पत्रकारिता सिर्फ 8 से 12 वाले शो में ही होता है, जिसमें मुद्दा किसान, नौजवान का नहीं बल्कि राहुल गांधी के बयान और देश के पंत प्रधान नेता का होता है।
लेकिन इन सब से इतर देश के एक सच्चे पत्रकार और सरकारी पैरोकार को जब इस घटना का पता चला तो वो उन छात्रों के बीच पहुंचते हैं और वहां धरने पर बैठे छात्रों से बात करते हैं। लेकिन कभी जाति धर्म पंथ के नाम पर वोट मांगने वाले दल भी राजनीति करने के बजाय इन सब पर एक बार आकर इस समस्या का हल निकाल पाएंगे? क्या आरोपियों पर कोई कार्रवाई होगी?